हेलो यूट्यूब, आज और एक वीडियो हम लोग बना रहे हैं, वो है पल्सर F250 पे यहाँ पे मोबाइल होल्डर लगाना है। मोबाइल होल्डर हम लोगों ने लिया है बोबो कंपनी का। होल्डर तो घर पे रखा हुआ है, बट उसका जो माउंटिंग है, जो जैसे कि आप इसमें देख सकते हो, ये माउंटिंग कैसे की जाती है उस पर आज एक वीडियो हम लोग बना रहे हैं। बाद में मैं इसमें आफ्टर शॉट्स दिखा दूंगा आपको कि मोबाइल होल्डर कैसा दिखता है एक्चुअल में, बट अभी लगाने पे अभी फोकस करते हैं जो कि हमारा मेन काम है। इसको लगाने के लिए पहले तो आपको ब्रेक लीवर पूरा खोल देना है। ब्रेक लीवर मतलब जहाँ पे ये लगा होता है, यहाँ पे इस पार्ट को पूरा खोल देना है आपको। ये ऐसे नीचे आ जाएगा। मेक श्योर करो कि ये टच ना हो, फेयरिंग पे स्क्रैच वगैरह ना करे। ये वाला पार्ट है जो ब्रेक लीवर खोलने के बाद निकलता है, और ये उसके दो स्क्रूज हैं। और अब हम लोग, और इसको मैंने खोलने के लिए यूज किया था 8mm का स्पैनर। काफी लंबे स्क्रूज हैं तो थोड़ा टाइम लगता है खोलने में। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे। बोबो के साथ हमें ये सब मिलता है, ये सारी चीजें जो आती हैं। इसमें एक वॉशर भी है, इसको खोना मत, बिकॉज अगर आप ये वॉशर नहीं लगाओगे तो फिर ये डैमेज करता है स्क्रू इस पार्ट को। बोबो में आप देख सकते हो कि ये वॉशर्स ऐसा स्पेसर्स आते हैं एक्चुअली में, इसको स्पेसर्स बोलना ज्यादा बेटर होगा। ये जो बड़े वाले स्पेसर्स हैं इसको हम लोग यहाँ लगाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोगों ने एक रबर लगाया हुआ है, ये बोबो के साथ आया था रबर, और इसको हम लोगों ने इतना जोर से दबा दिया था कि ये भी चिपक चुका है लिटरली यहाँ पे रबर, वरना पहले वो हम लोगों ने बस ऊपर से लगाया था। अब उसके ऊपर ये लगते हैं। अब आगे का जो पार्ट है वो मैं आपको गोप्रो से दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे मेरे दोनों हाथ फ्री करने हैं। हम लोगों को चाहिए टोटल इतने पार्ट्स, जिसमें होल्डर, स्पेसर, वॉशर और स्क्रू आता है। सबसे पहले हम लोग लगाएंगे ये वॉशर्स यहाँ पे ऐसे। इनको मैंने ऐसा लगाया है कि ये जो आउटर पार्ट है ये बाहर की तरफ हो, क्योंकि यहाँ से तो ऑलरेडी इस पार्ट ने होल्डर को पकड़ा ही होगा। यहाँ से ये एज वाला पार्ट होगा, ये होल्डर को पकड़ लेगा। और सेम चीज़ नीचे से भी करना है, ये जो आउटर एज वाला, जो आउटर एज वाला ये जो पार्ट है इसको नीचे से अब लगाना है। नीचे से ताकि वो गिर ना जाए तो हम लोग पहले इसके अंदर ही लगा लेते हैं। ये कुछ ऐसा आएगा इसमें यहाँ पे। उसके हिसाब से एक नीचे का पार्ट ये ऐसे लगा दिया, और ये ऐसे इसमें बंद हो गया। ओके, तो आप देख सकते हो कितना क्लियरेंसेस है इसमें, यहाँ पे इसके बीच में, और ये पार्ट यहाँ पे है। अब बस आपको इसमें वॉशर लगाना है और इसकी स्क्रू लगानी है। ये जो आते हैं साथ में ही आते हैं दोनों। वॉशर लगता है इसके, ये जो होल वाला जो पार्ट है, जो डीप है, इस डीप वाले पार्ट में लगेगा। ओके, और अब वॉशर डालने के बाद स्क्रू को डालना है ऐसे और टाइट कर देना है। अभी पहले हम लोग हल्का ही टाइट करेंगे ताकि ये खुले ना पूरा। ओके, अब हल्का टाइट करने के बाद जो बोबो के साथ जो एलन की आती है वही एलन की हम लोग फिर से यूज़ करेंगे। ये जो एलन की है ये बोबो के साथ आती है। ओके, अब इस एलन की को हम लोग यूज़ करेंगे इसको टाइट करने के लिए। आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन से एंगल में इसको लगाना है। हम लोगों ने जो पहली बार हम लोगों ने ट्राई किया था वो ऐसे ही किया था, स्ट्रेट ऊपर रखा था यहाँ पे, और ये वाला नट फिर हम लोगों ने टाइट किया ऐसे, हैंड टाइट जितना हो सकता उतना पहले कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद हम लोग फिर लीवर पहले लगाएंगे ज़्यादा टाइट करने से पहले। अभी ये हैंड टाइट हम लोगों ने कर दिया है होल्डर को। अब ये जो लीवर लटक रहा है इसको भी लगा लेते हैं। लीवर लगाने के लिए ये इतना पार्ट लगता है, तो पहले लीवर को ऐसे लाना है नीचे से, हैंडल को इस साइड कर लेना ताकि आपके पास जगह हो काम करने के लिए इस पर। ये हैंडल को ऐसे लगाया, और आपके हिसाब से आप लीवर का ये एडजस्ट कर लो। पल्सर में मैंने देखा कि आप इससे ज़्यादा नीचे इसको कर नहीं सकते, क्योंकि जो मास्टर सिलेंडर है यहाँ पे नीचे वो इस पर लड़ता है थ्रॉटल के इस पर। दिस इज़ द मैक्सिमम आप इसको नीचे ले पाओगे, तो हम लोगों ने वो कर लिया है नीचे एकदम, जितना हो सकता उतना ले लिया, और ये ऊपर लगा दिया इसके। इसमें भी एक एरो है एक्चुअली यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हो। तो ये एरो का जो पार्ट है ये थ्रॉटल के साइड होना चाहिए, थ्रॉटल जो अपना स्विच है ये वाला, इसको इस साइड कर लिया, और अब दोनों स्क्रूज लगा देने हैं। तो आप देख सकते हो कि पहले मैंने इसको जो इसका माउंट था उसको पहले एकदम आगे कर लिया है ताकि मुझे यहाँ पर काम करने में आसानी हो। पहले हैंड टाइट कर लेते हैं जितना हो सकता है, फिर उसके बाद
इससे टाइट करेंगे और इन दोनों स्क्रूज़ को थोड़ा थोड़ा करके टाइट करेंगे, एक साथ पूरा नहीं करना है एक को, वरना ये जो ये पूरा क्योंकि कास्ट अलॉय का होता है ये टूट सकता है ज़्यादा, एक साइड पे ज़्यादा प्रेशर आएगा तो। सो अभी इसको हम लोगों ने ऐसे टाइट कर लिया मस्त, काफ़ी लंबे स्क्रूज हैं, इनको बहुत टाइम लगता है टाइट होने में। एक्चुअली हमारा 8mm का जो ये होता है क्या बोलते हैं उसको, रैचेट वाला जो होता है वो एक्चुअली मिल नहीं रहा है। राइट, सो ये हो गया लीवर इंस्टॉल, अब इसको वापस हम लोग ऊपर ले लेंगे जहाँ पे हम चाहते थे। यहाँ पे हम लोग थोड़ा ना इसे एकदम स्ट्रेट नहीं रखेंगे ऊपर, थोड़ा आगे रखेंगे ऐसे, क्योंकि यहाँ पे जो इसका क्लियरेंस का इशू होता है इसके साथ जो माउंटिंग होल्डर जो है, सो थोड़ा सा टेढ़ा रखेंगे यहाँ पे। सो एक माइनर करेक्शन, ये जो फ़ोन होल्डर है ये एक्चुअली बोबो का नहीं है, ये ग्रैंड पिटस्टॉप का है। तो क्योंकि इनका सब कुछ सेम ही होता है, पैकेजिंग और अंदर लिटरली जो सामान है वो सब कुछ सेम यूज़ किया गया है, तो मुझे लगा ये शायद बोबो का ही होगा क्योंकि हम लोग सारा बोबो का ही यूज़ करते थे। सो ग्रैंड पेट स्टॉप वालों का ये एक अलग फैक्टर है कि उन लोग ये भी देते हैं साथ में, कि बोबो का कुछ कंप्लेंट्स आया, कुछ कुछ लोगों का फ़ोन उड़ गया था सो शायद उसी लिए सेफ्टी के लिए उन लोगों ने दिया हो। सो इसको भी आप यूज़ कर सकते हो ऐसे, मतलब इसमें डालकर फ़ोन होल्डर लगा कर फिर आप उसको पहना सकते हो रबर को। सो एक सेफ्टी फीचर है ये जो गार्डियन गियर्स अभी प्रोवाइड कर रहा है, नॉट अ बिग ऑफ डील, बट अगर आप पीस ऑफ माइंड चाहते हो तो ठीक है, अच्छी चीज़ है ये। सो या दैट्स इट, यही था आज का वीडियो। फ़ोन होल्डर लगाने के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट स्पॉट है F250 पे, स्पेशली बिकॉज उसका हैंडल बार ऐसा है अजीब सा। सो दैट्स इट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो ये वीडियो को F250 ओनर्स के साथ, और सब्सक्राइब करो यार चैनल को, काफ़ी कम है सब्सक्राइबर्स फ़िलहाल और व्यूज़ अच्छे खासे आ रहे हैं गाड़ी पे लेकिन सब्सक्राइबर्स नहीं है, तो यप सब्सक्राइब ज़रूर करो क्योंकि हम लोग ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लाते रहेंगे इस गाड़ी पे। So that's it. Bye-bye.